निजी अस्पताल में रोजगार देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में उर्गा पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रशेखर पांडे को उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित माहुल से गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज उर्गा में लगभग 970 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। रोजगार के लिए कई लोगों ने आवेदन किया था और भारी भरकम पैसे देकर नौकरी हासिल की थी। नौकरी लगने के बाद उनसे काम तो लिया लेकिन वेतन नहीं दिया, लिहाजा लोगों ने पुलिस से शिकायत की। जांच में पाया गया कि अस्पताल फर्जी है। अपराध कायम कर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने का कार्य शुरू किया लेकिन वे फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पहले ही अस्पताल के चेयरपर्सन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने ठगी का शिकार हुए लोगों से सामने आने की अपील की है। डीएनएक्स टीवी के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट। उर्गा में एक चर्चित घोटाला सामने आया था, श्री हॉस्पिटल, इसमें नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए थे। तो इस संबंध में पूर्व में इनके श्री हॉस्पिटल के जो एनजीओ थे गुप्ता, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और इसमें मुख्य आरोपी चंद्रशेखर पांडे फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। उसको भी अभी जौनपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ के लाया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अभी जो पकड़ा गया आरोपी, उसका नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? ये उर्गा का ही रहने वाला है, चंद्रशेखर पांडे। पिता? पिता सुरेंद्र पांडे। किस तरह ये लोगों को नौकरी का लाला देते और कैसे पैसे ये? इन्होंने बड़ा ही संगठित तरीके से इसको ऑपरेट किया था। सबसे पहले 350 रुपये की डीडी लेते थे कि आपसे परीक्षा कराएंगे, परीक्षा शुल्क के नाम पर। फिर 45,000 रुपये की डीडी लेते थे कि इसको कुछ दिन जमा रखेंगे और हॉस्पिटल चला के जो लाभ होगा तो इसको बदले में आपको ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। और किससे? कुछ से चेक के माध्यम से लिया, कुछ से डायरेक्ट पैसा लिया। 45,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक लोगों से लिया इन्होंने और बाद में बंद करके फरार हो गया। मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ? मामले बहुत सारे जो प्रार्थी हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई थी, मानिकपुर से ये मामले की शुरुआत हुई थी। प्रार्थी शिकायत की आके कि इन्होंने नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लिया है और नौकरी नहीं लगा रहे हैं, हॉस्पिटल को बंद कर दिए हैं। सर, ठगी की कुल रकम कितनी है? ये करोड़ों में स्टेटमेंट किया जा रहा है। बहुत सारे दस्तावेज, इससे भी बहुत सारे दस्तावेज जब्त हुए हैं, तो ये करोड़ों में है रकम। क्या ठगी का? इसके अलावा जांजगीर में है, बिलासपुर में भी इन्होंने जाके परीक्षा आयोजित कराई, वहाँ पर लोगों को ठगा, वहाँ पर भी हॉस्पिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन किया। पूर्व में भी जो आरोपी है पांडे, ये हवल पुलिस में सिपाही भर्ती के नाम पे पैसे का आरोपी है, वर्तमान में जमानत पे रिहा है। पूछताछ के बाद क्या मामले में और भी कुछ तथ्य आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे तथ्य, अभी इसमें और भी तथ्य आएंगे, धाराएं भी जुड़ेंगी और इस पे आगे विवेचना जारी है। सर, जो ठगी के शिकार क्या कहाँ कहाँ के लोग हैं इसके? ये पूरे छत्तीसगढ़ से है, जांजगीर से है, बिलासपुर से है, कोरिया से है, अलग अलग अभी भी आवेदन आ रहे हैं लोगों को। जैसे जानकारी मिलती जा रही है आपके माध्यम से, मैं और निवेदन करूंगा जनता से कि जिनके साथ भी ठगी हुई है वो आए और अपनी शिकायत दर्ज कराए इसमें।